तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। तो अगर आपका भी किसी ने दिल दुखाया है या आपने भी तकलीफों का सामना किया है तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये बात सच है कि इंसान को दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, और अपनों की वजह से उनको तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। तो उस मौके पर आपकी जुबान से ऐसा जुमला ना निकल आए जिससे अल्लाह नाराज हो जाए और जो अल्लाह की नाराजगी का सबब हो। ये बात मैं मानती हूँ कि अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो गम तो पहुँचता ही है और गम से इंसान मुतासिर भी होता है, क्योंकि जब सीने में दिल है तो अगर कोई दुखाए तो दुखेगा जरूर, और ऐसे दिल बेचैन भी हो जाता है। तो रब ने फरमाया कि जब तकलीफ पहुँचे तो मदद किससे तलब करो, अपने अल्लाह से, और हर छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों के सामने जाहिर ना करें, क्योंकि दर्द और तकलीफ में राहत देने वाला सिर्फ एक है और वो है अल्लाह। कभी भी अपने जख्मों को किसी और के सामने ना दिखाएं, क्योंकि लोग मेहंदी सजाएंगे तेरे लहू से, जख्म दिल के ना दिखाओ किसी और को। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जब तुम हंसते हो तो जमाना हंसता है, और जब तुम रोते हो तो जमाना तुम्हारे साथ नहीं रोता बल्कि मजाक बनाता है। इसलिए रोए बही जहां तुम्हारे आंसुओं को साने करीम मोती बनाकर सजा ले। और एक तो सब्र करो और दूसरा नमाजों में सजदों में मदद तलब करो, क्योंकि मैं खुद इस बात से तजुर्बा ले चुकी हूँ और मैं खुद इस बात को जानती और समझती हूँ कि मैं अगर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो कुरान की तिलावत और नमाज से मुझे बेपनाह सुकून मिलता है और बेपनाह सुकून हासिल होता है। क्योंकि मुश्किल के वक्त में तुम्हारी कोई ना सुने तो अल्लाह के हुजूर आ जाओ, क्योंकि हर मुश्किल को आसान करते हैं मेरा अल्लाह। तो इसलिए कभी भी अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, अगर आप किसी मुसीबत में मुब्तला हैं या कोई परेशानी में हैं, तो नमाजें अदा करें और नमाजों के सजदे में अल्लाह से अपनी मदद की गुहार लगाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट